अगर मी बैंड 6 के हम लॉन्च की बात करते हैं तो इसके लिए सिर्फ आपको एक दिन का वेट करना है। जी हाँ दोस्तों, कल Xiaomi की तरफ से ऑफिशियल इवेंट होने वाला है चाइना में, जिसमें Mi 11 सीरीज के कुछ स्मार्टफोन आएंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे एडिशनल प्रोडक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें Mi Band 6 का भी लॉन्च इन्हीं के साथ किया जाएगा, तो कल यानी कि 29 मार्च को इसका ऑफिशियल लॉन्च चाइना में हो जाएगा। हालांकि ग्लोबल मार्केट में और इंडिया में आने में इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कि क्या कुछ इम्प्रूवमेंट इस बार आपको Mi Band 6 में दिए जाएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, यहाँ पे आपको नए स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को इसके साथ में ट्रैक कर पाएंगे। जो Mi Band 5 था वहाँ पे आपको टोटल 11 स्पोर्ट मोड देखने को मिलते थे, यानी कि 11 एक्टिविटीज़ को आप ट्रैक कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट एक हुआ है, और इस बार आपको यहाँ पे 19 एडिशनल मोड्स देखने को मिलेंगे, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यानी कि टोटल 30 टाइप की एक्टिविटीज़ को आप इसके साथ में ट्रैक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा अपग्रेड है सभी कस्टमर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब आप अच्छी तरह से इसको यूज़ कर पाएंगे हर तरह की एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए। अगर सेकंड अपडेट की यहाँ पे बात की जाए तो इस बार इसके अंदर आपको ब्लड ऑक्सीजन को मॉनिटर करने के लिए SPO2 सेंसर भी दिया जाएगा। ये काफ़ी अच्छा फीचर हो जाता है सभी कस्टमर्स के लिए, क्योंकि इसके साथ आप अपने ब्लड की ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर कर सकते हैं, और ये वन ऑफ द एसेंशियल अपडेट्स था जो कि इस बार आना था और ये कंपनी आपको प्रोवाइड करवा देगी। तो अगर आप SPO2 ट्रैकिंग को यूज़ करना चाहते हैं तो Xiaomi Mi Band 6 के साथ में आप इसको कर पाएंगे। अगर थर्ड अपडेट की यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा GPS का सपोर्ट, और ये काफ़ी बड़ा अपग्रेड है दोस्तों, क्योंकि इनबिल्ट GPS होना किसी भी फिटनेस ट्रैकिंग के लिए एक बड़ी बात है। तो इनबिल्ट GPS के साथ में यहाँ पे आपकी लोकेशन को अच्छे से ये ट्रैक कर पाएगा जब भी आप रनिंग वगैरह करेंगे, और इसको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आप मान सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको नए वॉच फेसेस देखने को मिलेंगे, और जो इसका डिस्प्ले है दोस्तों उसमें स्लाइटली इम्प्रूवमेंट होगा। यहाँ पे कोई बड़ा चेंज आपको नहीं मिलेगा जैसे कि ओनर ने आपको प्रोवाइड करवाया था, सिर्फ माइनर इम्प्रूवमेंट्स के साथ में ही इसका नया डिस्प्ले आप पाएंगे। यहाँ पे अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो अलेक्सा का सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यानी कि आप अपने फिटनेस बैंड से ही अलेक्सा को कमांड दे सकते हैं अलग अलग टाइप की, और ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इस बार आपको Mi Band के साथ में देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे नए आइकन्स के सपोर्ट, यानी कि नई ऐप्स को भी ये सपोर्ट करेगा, और आप अपने स्मार्टफोन की एडिशनल नोटिफिकेशन भी इसके अंदर पाएंगे। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, हार्ट रेट मॉनिटरिंग की बात करें, स्लीप ट्रैकिंग की बात करें, या फिर वाटर रेजिस्टेंट की, ये सब आपको ऑलरेडी इसके अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी इसके साथ में दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप स्विमिंग वगैरह के लिए इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपनी स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका स्लीप डेटा होता है उसको आप डायरेक्टली अपने स्मार्ट बैंड से एक्सेस कर पाएंगे।